दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है रशिया की, जहां पर हजारों क्रिश्चियन लड़कियां इमोर्टल महाअवतार बाबा जी के क्रिया योग के माध्यम से हर रोज सनातन धर्म अपना रही है और अपने भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करने के लिए हाथों में श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र धारण करके सनातन धर्म के प्राचीन रीति रिवाजों को अपने जीवन में उतार रही है। श्री यंत्र जो भगवान शिव के द्वारा बनाया गया सबसे शक्तिशाली यंत्र है, जिनसे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में ये रूस की लड़कियां भली भांति जानती हैं, जिसके कारण सनातन धर्म पर इनका विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। इसलिए रूस की ये हजारों यंग लड़कियां क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही है और अपने घरों में श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र बनवाने के साथ साथ माता काली, महाअवतार बाबा और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। प्रश्न ये उठता है कि रूस में ऐसा कहां पर और कब से हो रहा है और वहां पर कौन इन रूस की हजारों युवा लड़कियों को सनातन धर्म अपनाने और इसका भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों ये है रशिया का सती क्लब प्रोजेक्ट, जो मौजूद है रशिया की कैपिटल मॉस्को में, जहाँ पर रूस की हजारों लड़कियाँ सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए हर रोज यहाँ पर आती हैं और जल्द ही ये हजारों की संख्या लाखों और करोड़ों में पहुँचने वाली है। ये बात मैं नहीं बल्कि यहाँ पर क्रिया योग के माध्यम से सनातन धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आने वाली ये लड़कियाँ खुद ये बात कहती हैं कि सती क्लब में आने के बाद उनका जीवन पहले से कई गुना ज्यादा आनंदमय हो गया है, जिसके कारण वे अब सनातन में मौजूद मंत्रों के माध्यम से अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से बैलेंस कर सकती है। रूस में सती क्लब का नाम माता सती के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली रशियन लड़कियाँ देवी सती की भांति अपने आप को भगवान शिव के प्रति समर्पित कर देती हैं। क्रिया योग, आयुर्वेद और ऊर्जा के प्रवाह को उच्च स्तर पर पहुँचाने वाले संस्कृत के मंत्रों को सीखने के लिए, जिनका पूरी गहराई के साथ सुबह सुबह हर रोज ये सभी लड़कियाँ यहाँ पर जप करती हैं। और दोस्तों सती क्लब प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है रूस में सनातन धर्म के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान को एक अच्छे ढंग से फैलाना, जिससे रशियन सनातन के इस प्राचीन ज्ञान से अपनी मेटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर सके। इसलिए एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए ये लड़कियां यहां पर आती हैं। पर दोस्तों
सती क्लब को ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लड़कियाँ आती हैं जो अपने सच्चे दिल से एक शांति भरा जीवन जीने के लिए और सनातन धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को सीखने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि सती क्लब में आने वाली लड़कियों को पूरे एक साल तक लगातार सती क्लब में आना होता है, सनातन धर्म में मौजूद आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो सती क्लब में आने वाली लड़कियों को पूरी तरह से शाकाहारी बनना होता है, यानी कि केवल फुल्ली वेजिटेरियन फूड खाना होता है। और क्रिया योग को सीखने के लिए हर रोज श्री महाअवतार नमः मंत्र का जप करना होता है, क्योंकि क्रिया योग के जनक महाअवतार बाबा जी माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा पिछले हजारों सालों से हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रह रहे हैं, इसलिए इनको इमोर्टल महाअवतार बाबा जी कहा जाता है। और महाअवतार बाबा जी के मंत्र के साथ में ही सती क्लब में ज्वाइन होने वाली लड़कियों को हर रोज ओम के मंत्र का जप करना भी होता है और भगवान शिव के साथ साथ माता सती की पूजा होती है, जो सनातन में मौजूद सभी देवियों में महाशक्ति का प्रतीक है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसी ये रशियन लड़कियां माता सती को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी स्वेटर्स पर शक्ति प्रिंट करवाई हुई है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है एक रशियन लड़की कात्या कुजमीना ने, जिसने सती क्लब ज्वाइन किया हुआ है और ये अपने बच्चों के साथ भी अपने घर पर हर रोज ओम के मंत्र का जप करती है। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, ये तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। इनसे मिलिए, ये है राधा दुलारी दासी, एक रशियन लड़की जो महावतार बाबा जी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी सच्ची भक्त है और क्रिया योग की टीचर है, जिसने मेटेरियल वर्ल्ड और भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक दुनिया यानी कि वैकुंठ पर छोटा सा रैप बनाया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कृष्ण का आध्यात्मिक जीवन भौतिक दुनिया से कितना ज्यादा असीम है। Even my mama thinks that my mind is gone, but I ain't never felt the joy in the material world that matches what I feel being Krishna's girl. Give to Krishna all your actions and fruits of actions, and soon you'll receive his divine attraction. The path can be tough, but I persevere. The leelas of the Lord is all I wanna hear. Hari, praise the Guru for his divine intervention. Chidadarani's love is beyond comprehension. तो इनके जैसे ही हजारों लड़कियां हैं जो सनातन के सच्चे और प्राचीन सिद्धांतों को फॉलो कर रही हैं और दूसरी रशियन लड़कियों को भी सनातन धर्म में आने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगर मैं इन सब के बारे में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो एक घंटे से भी ऊपर चली जाएगी और मेरे हिसाब से आप शायद ही इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद करोगे। पर दोस्तों अब आखिरी प्रश्न ये उठता है कि सती क्लब को रशिया में कौन चलाता है। तो दोस्तों सती क्लब प्रोजेक्ट की फाउंडर है सती काजानोवा, जिनके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि कैसी सती ने सनातन के लिए अपनी फेमस रशियन एक्ट्रेस और सिंगर की एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल का खुशी खुशी त्याग कर दिया था। तो इन्होंने अपनी सती क्लब प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर ये साफ साफ और बहुत ही प्राउडली बताया हुआ है कि कैसे इनकी लाइफ फेम और नेम से सनातन धर्म तक पहुंची और कैसे इन्होंने अपने सनातन धर्म के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करके अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त की। इसलिए ये रशियन लड़कियों को जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म का मार्ग दिखा रही है और इनसे इंस्पायर होकर ये क्रिश्चियन और मुस्लिम लड़कियां सनातन की ओर आकर्षित भी हो रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी सती क्लब प्रोजेक्ट की। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।